हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, ये एक और जॉब अपॉर्चुनिटी वीडियो होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाकर के एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट कीजिए। आई एम कमिंग अप विद सो मेनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपकी हेल्प कर सकती हैं 2023 में अपने ड्रीम रोल को क्रैक करने में, भले ही वो रिज्यूमे से रिलेटेड है, जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड है या फिर उस कॉन्टेंट से रिलेटेड है जो आपको कंज्यूम करना चाहिए। वो सभी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए जिससे लोग आपके आस पास डेली अपनी ड्रीम जॉब्स को क्रैक कर रहे हैं, मे बी आप उस पर मिस आउट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। वो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाने वाली हैं। जरूर से चेकआउट कीजिए, अप्लाई कीजिए। लेऑफ्स का टाइम चल रहा है, सिर्फ अपनी एक ड्रीम कंपनी पे स्टिक होकर मत रहिए। जो भी आपको रेलेवेंट रोल मिलता है अच्छी कंपनी में जहां आप एलिजिबल हैं, अप्लाई जरूर कीजिए, इंटरव्यू जरूर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू सी हियर इज विद MongoDB। MongoDB करियर्स पेज पे अगर आप जाएंगे, वैसे आपको जाने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेटा एनालिस्ट की जॉब है ये, गुड़गांव में बेस्ड है। अब MongoDB के बारे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, MongoDB के बारे में इन्होंने कुछ रिसेंट न्यूजेस एक्सप्लेन करी है। ये सभी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं ना कहीं टच अपॉन हो सकते हैं, तो इन्हें जरूर से पढ़िएगा अगर आप एलिजिबिलिटी में फॉल करते हैं तो। नेक्स्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया है रोल के बारे में। डेटा एनालिस्ट है, टेक्निकली साउंड एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर होने चाहिए, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ आप आने चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी एक्सप्लेन करी हैं, और इसके बाद हम मेन सेक्शन पे आते हैं। मैं किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को पर्सनली पढ़ना इस सेक्शन से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज अगर आप एलिजिबल ही नहीं है उस जॉब में, देन आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप पूरे JD को पढ़ने के बाद एंड में आकर के आइडेंटिफाई करेंगे कि शिट आई एम नॉट इवन एलिजिबल, सो ट्राई टू स्टार्ट रीडिंग योर JD अपसाइड डाउन, नीचे से ऊपर पढ़िए। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है जिसको ये सीख कर रहे हैं, मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिटिक्स, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के साथ में, एडवांस नॉलेज होनी चाहिए MS Excel की और गूगल शीट्स की, इंटरमीडिएट नॉलेज चलेगी Tableau की, इंटरमीडिएट नॉलेज चलेगी Python की विद डेटा टाइप्स लूप्स पांडास NumPy Matplotlib। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पुलिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सिस्टम्स एंड डेटा वेयर हाउसेज यूजिंग SQL एंड APIs। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑन हाउ टू ट्रैवल प्रोक्योर एंड फाइनेंस टीम एंड देयर फंक्शनैलिटी एंड हाउ द इंडस्ट्री इज वर्किंग ओवरऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि इन्होंने ऊपर भी मेंशन किया था, आप एक क्रिएटिव एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल माइंडसेट के साथ आनी चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए एनालाइज करने की डेटा को, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने की, डेवलप करने की एक्शनेबल रिकमेंडेशन। अब जब आप इतना सारा काम डेटा के अराउंड कर रहे हैं तो एक बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड हो जाती है रिक्वायरमेंट कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके जितने भी फाइंडिंग्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, वो आप सामने वाले को इजीली कम्युनिकेट कर सकें। एंड यू शुड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट हाई एबिलिटी टू रोल अप योर स्लीव्स एंड वर्क विद द टीम मेंबर्स ड्राइविंग प्रोजेक्ट्स थ्रू टू द कंप्लीशन। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू फील लाइक आप इस एलिजिबिलिटी में फॉल कर रहे हैं, आप नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में लिंक को चेकआउट कीजिए और तुरंत इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है वो एक्सपीडिया ग्रुप के साथ में है। एक्सपीडिया ग्रुप ने ये बहुत ही रीसेंट पोस्ट करी है। इसको पोस्ट करने में ये लोग सर्च करना चाह रहे हैं 2 से 3 प्रोडक्ट एनालिस्ट को। अगर आप इनके करियर पेज पे जाके काफी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज पता चल जाएंगी जिनकी मल्टीपल ओपनिंग्स हैं, मतलब मल्टीपल जॉब रिक्विजिशन IDs हैं। तो आप इन पे अप्लाई जरूर कीजिए, बट मेक श्योर एक गलती नहीं करनी है, एक से ज्यादा बार सेम पोजिशन के लिए सेम कंपनी में अप्लाई नहीं करना। रेफरल आप ले सकते हैं बट सेम पोजिशन के लिए, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपीडिया ग्रुप क्या है, इन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। प्रोडक्ट एनालिस्ट कंपेटिटिव एनालिसिस जो ये रोल बनाया है इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है आफ्टर ज्वाइनिंग इन दी कंपनी उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। एंड एज आई सेड, अपसाइड डाउन पढ़ना है तो अपसाइड डाउन पढ़ने पे सबसे पहले आपके पास स्किल्स आते हैं। तो यहाँ स्किल्स में इन्होंने मांगा है बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री बिजनेस या रिलेटेड फील्ड में एंड इक्विवेलेंट रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है प्रोडक्ट के साथ, कंसल्टिंग के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ इन अ कॉर्पोरेट एनवायरमेंट, देन इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑल्सो एंड देन यू आर एप्लीकेबल ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज होनी चाहिए आपको, पैशन होना चाहिए ट्रैवल एंड ई कॉमर्स को लेकर के, हाईली प्रोफिशिएंट होने चाहिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट में। तो सबसे पहली जो एक एलिजिबिलिटी में रिक्वायरमेंट आती है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट की। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल एंड थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू वर्क विद वेल इंडिविजुअली एज वेल एज
in a group by prioritizing day-to-day tasks. You should be a self-starter who can excel in a fast-paced environment which is quite fluid. So fluid ka matlab hota hai flexible. Aap jo bhi cheeze yahan pe follow karenge, they are quite flexible in nature. So agar aap 1 se 2 saal ke experience range mein hai, aap kisi bhi company mein, product mein, consulting mein ya technology ke kisi role mein kaam kar chuke hain, aapko MS Excel aur PowerPoint ki kafi achhi knowledge hai, communication aap theek thaak kar lete hain, do not waste any time, turant jaiye link ko check out kijiye, apply kijiye. Tab tak we'll move on to the third opportunity that we have here. सबसे पहले जो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये पेटीएम के साथ में है. अपॉर्चुनिटी का नाम है बिजनेस एनालिस्ट. नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, दैट इज बाय ग्रोफर. ग्रोफर ने एक डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब ओपन करी है. कई सारे लोग इस जॉब को व्यू कर चुके हैं. सीटीसी जो ये ऑफर कर रहे हैं 16 LPA की है. जॉब लोकेशन होने वाली है दिल्ली NCR की. अब इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है कंपनी के बारे में, लीडरशिप के बारे में, कौन को फाउंडर है, कौन CEO है. नेक्स्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया है सिमिलर जॉब्स कौन कौन सी हैं और किन किन कंपनियों में है. तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एक नहीं दो से तीन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. नो ब्रोकर, जूम कार और शादी.com, इनमें भी डेटा एनालिस्ट रिक्वायर्ड है विद अ पैकेज ऑफ 5, 10 and 10 LPA रिस्पेक्टिवली. सो इफ यू फील लाइक यू आर फॉलिंग इन टू दिस कैटेगरी, आप डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए इन मोर देन वन कंपनी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इस लिंक को चेकआउट करना तो बनता है. अब इन्होंने इस पर्टिकुलर जॉब में आपको कहीं भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया है, कहीं भी आपको ये डिफाइन करने की कोशिश नहीं की है कि कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो ये लुकआउट फॉर कर रहे हैं. तो यहाँ हमें अपनी ड्यू डिलीजेंस को यूज करना है. ड्यू डिलीजेंस से मेरा मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए आपको डेटा पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए रेज्यूमे में. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अच्छे से पाइथन या आर इनमें से कोई लैंग्वेज आनी चाहिए. स्काला आती है, नथिंग लाइक दैट. इसके अलावा आपको एमएस एक्सेल में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स पे काम करे हुए हैं, टैबल्यू और पावर बीआई की आपको नॉलेज है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्लस. सो अगर आपको डेटा का ओवरऑल एक्सपीरियंस है तभी इन रोल्स के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम. आप एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर देंगे बट आपको इंटरव्यू कॉल रिसीव नहीं होगा. इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट जॉब की तरफ. दैट इज अ डेटा एनालिस्ट जॉब एट एनटीटी डेटा. सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है. नंबर ऑफ ओपनिंग्स 10 है. ऑफिस लोकेशन इज गोइंग टू बी नोएडा. एक्सपीरियंस जो ये मांग रहे हैं वो 5 से 8 साल का मांग रहे हैं. तो अगर आप एक मिड करियर प्रोफेशनल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं. इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए. रिक्विजिशन की जो आईडी है वो ये दे रखी है, मैंने हाईलाइट करा है, प्लीज आप इसे चेकआउट कीजिए. अगर आपको किसी से रेफरल लेना है तो ले लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इन्होंने यहाँ पे बात करी है बहुत सारी डिफरेंट ऐसी टेक्नोलॉजीज की जिसपे आपको काम करना आना चाहिए. एजाइल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए. टेस्ट केस मैनेजमेंट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए क्यूटेस्ट के साथ में. डॉट वेब API टेस्टिंग थ्रू पोस्टमैन और अदर टूल्स. सो बेसिकली जो डॉट है यहाँ पे वो बुलेट पॉइंटर्स हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए. वेब API टेस्टिंग थ्रू पोस्टमैन और अदर टूल्स, ये आपको आना चाहिए. इसके बाद जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है वो है हाई स्कूल का डिप्लोमा, सम इयर्स ऑफ टेक्निकल एक्सपीरियंस, लेस देन सम इयर्स ऑफ लीडरशिप एक्सपीरियंस. ओके, आई थिंक ये कुछ लिखना they were trying to put out something over here but they couldn't. So it is still mentioned on the top of this job profile already. 5 से 8 साल का experience आपको मांगा हुआ है. Apart from that, वही generic details होती है, that is anyways required in all of these companies. Plus, अगर आप और भी किसी company में data analyst की job require कर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं, explore करना चाहते हैं, तो आप ये 3-4 options भी select कर सकते हैं. So if you feel like ये आपके लिए एक अच्छी job opportunity है, तुरंत इस पे आइए, explore कीजिए और apply कीजिए. Next जो हमारे पास जॉब है, दैट इज प्रोसेस एसोसिएट डेटा एनालिस्ट जॉब रोल विद जेनपैक्ट नोएडा. सो अब इसके बारे में आपसे बात करने हैं, तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है वो है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट. यू शुड हैव अ प्रूवन एक्सपीरियंस इन OTC डोमेन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग विद क्वांटिटेटिव नॉलेज ऑन रिटेल, FMCG, CPG इंडस्ट्री एंड एक्सपोजर टू CPG और कंज्यूमर डेटा. यू शुड हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, you should have the ability to handle large data sets in arriving at a meaningful findings. Proficiency with Microsoft Office Suite, jaisa ki maine aapko kaha Excel and PowerPoint aapko anyways aane hi chahiye for applying for any kind of data analyst role. Iske alawa inhone kuch preferred qualifications ki bhi baat kari hai. Agar aapko ERP systems ka exposure hai, that is going to be a preferred qualification for this role in Genpact. Agar aap facilitate kar sakte hain data analytical methods ko such as regression, decision trees, experiment
fundamental designs support vector machines, machine learning or text mining, then you're gonna get a preferred, I would say, you know, ability whenever you're applying for this role. आपका जो भी application होगा वो बाकी के applicants से ज्यादा prefer किया जाएगा. Next is exposure to ERP systems. I have told about that already. And of course, communication and interpersonal skills. So if you feel like all of these things are aligning with you, click on the apply now. And yes, for checking out the links, do visit the description and the first comment of this particular video. Last opportunity that I have in today's video for you is by Optum, that is also a data analyst role. The primary location is going to be Gurgaon in Haryana, and the requisition number is this. You can definitely check out LinkedIn and the professionals from Optum on LinkedIn's profile to go ahead and get a referral for this one. So, sabse pehle inhone primary responsibilities ki baat ki hai, about the company ki baat ki hai, and towards the end of JD, inhone required qualifications batai hai. So, required qualifications hoti hai bachelor's degree in engineering, business, statistics related field, hands-on experience in Tableau, basic statistics, machine learning, Python or SQL, 4 plus years of business analytics work experience, 4 plus years of experience with big data technologies. A big data mein technologies, what are these? Hadoop. Apart from Hadoop, Hive, MapReduce, Sparks, and the knowledge of statistical techniques and Python. Ye sabhi cheeze, they are very much required. Lastly, kuch inhone aur generic requirements mention ki hai. Aap definitely unhe check out kar sakte hain. Preferred qualifications mein inhone baar baar likha hai 4 plus years of experience. Aap 4 ya 4 saal se zyada. Agar aap ek mid-level career professional hai, then you can apply for this role. Aapko experience hona chahiye statistical modeling ke saath mein, reporting ke saath mein, analyzing large amount of data. Apart from that, jaisa ki inhone upar bhi mention kiya hai, wapas प्रेफर्ड में मेंशन किया है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज लाइक हडूप, हाइव, मैपरेड्यूस, स्पार्क, इनकी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए. डोमेन नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपर्टीज होनी चाहिए हेल्थ केयर. ऑफ कोर्स दिस इज ऑप्टिम, तो आपको ये सभी होना वेरी वेरी यू नो इट बिकम्स नेसेसरी. सो दैट इज इट. आज के वीडियो में हमने बात करी थी लगभग 7 ऐसी अपॉर्चुनिटीज की जो डेटा एनालिसिस की डोमेन में है, प्रोडक्ट एनालिसिस की डोमेन में है. अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो ये वो ऐसी कुछ जॉब रोल्स हैं जिससे आप करियर की ट्रेजेक्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा. आई एम गोना कम अप विद सो मेनी मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज वेरी वेरी सून. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस तैयारी को अभी कर रहे हैं, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब रोल, देन न्यूटन स्कूल का एक प्रोग्राम है जिसका नया बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी. डिटेल्स मेंशनड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर इंटरेस्टेड है तो चेकआउट कीजिएगा. इस प्रोग्राम के थ्रू वो ऐसे कैंडिडेट्स जो टेक बैकग्राउंड से आ रहे थे, नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे थे, नो मैटर विच फील्ड दे वर फ्रॉम, उन्होंने अपनी एक जॉब सिक्योर करी है विद एन एवरेज पैकेज ऑफ 8 LPA इन ऑल दी टॉप टेक कंपनीज. सो अगर आप वन ऑन वन मेंटरशिप चाहते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, एक वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम चाहते हैं फॉलो करने के लिए, तो दिस इज योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी. डेफिनेटली प्रोग्राम की डिटेल्स को चेकआउट कीजिए. एंड ऑल दी वेरी बेस्ट. आई होप योर 2023 बिकम्स वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर टिल देन.